दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गौतम ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा द्वारा कुछ साल पहले गुजरात मॉडल नाम का एक शब्द बेचा गया, देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस और उद्योगपतियों ने खरीदकर ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिससे कि भाजपा की सरकार केंद्र में आई, जिसके बाद इन्होंने बड़े बड़े वादे किए। इसके बाद प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी चंद जाति के होकर रह गए केजरीवाल के मंत्री ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, और तो और यहाँ तो ब्रह्मांड तक सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर जंगल राज चल रहा है, यहाँ पर जाति पूछ पूछ कर हत्या हो रही है। कल 25 दिसंबर को किसानों के खातों में पहुँचने वाले 18,000 करोड़ रुपए पर पूछे गए सवाल पर बोले कि मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी किसानों को खरीदने की कोशिश ना करें, समस्याओं को दूर करें। ये जो भाजपा की सरकार है ये दमनकारी सरकार है जिसने अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। उस समय अंग्रेज दमन करते थे लेकिन इस समय अपने लोग ही दमन कर रहे हैं। अगर भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ये पता होता कि ऐसी सरकारें आएंगी और अगर वो आज जिंदा होते तो रो रहे होते। दरअसल वो हरियाणा में 13 किसानों पर हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाने पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दिल्ली में हुई गिरफ्तारी पर बोलते हुए कहा कि प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात कहने का सबको अधिकार होता है, अगर विपक्ष के लोग एक ज्ञापन देना चाहते हैं तो ये क्या बात हुई कि सिर्फ 3 लोग ही मिलने जाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये पहली सरकार आई है जो विपक्ष को कुचलना चाहती है। इस सरकार में विपक्षी नेताओं पे ईडी के छापे डलवाए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आके बेहद खुशी महसूस हो रही है, और आने का सीधा सीधा एक कारण है कि अब से कुछ साल पहले देश को एक गुजरात मॉडल का एक नाम का शब्द बेचा गया। देश के तमाम बड़े मीडिया हाउस को बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने खरीद के गुजरात मॉडल शब्द को बेच के एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज बीजेपी की सरकार केंद्र में आई, और वो सरकार जिसने बड़े बड़े वायदे किए, वो सरकार जिसने चुनाव से पहले 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने कहा देश के अच्छे दिन आने वाले हैं, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, काला धन वापस आएगा, वो सरकार जिसने कहा 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेंगे, देश के भोले भाले लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाने वाली मोदी जी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद सरकार ऐसा लगा जैसे प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चंद जाति विशेष के मुख्यमंत्री बन के रह गए, चंद जाति विशेष के प्रधानमंत्री बन के रह गए। बोलते थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा लगता है साथ सबका लेना है वोट के रूप में, लेकिन विकास अपने दोस्त अडानी अंबानी का करना है। और दुख की बात है, जिस देश के प्रधानमंत्री अपने दोस्त की रिलायंस कंपनी के जियो का ऐड करते हैं और देश की MTNL BSNL को तबाह कर देते हैं, आज देखिए जिस BSNL के MTNL के दम पे हम लोग फ़ोन पे बात किया करते थे, आज वो कंपनी तबाह हो चुकी है, आज MTNL बर्बाद हो चुका है, BSNL बर्बाद हो चुका है। जो कहते थे कि मुझे रेलवे से सबसे ज़्यादा प्यार है और रेलवे कभी बिकेगी नहीं, ये सब गप है, झूठ है, ये वीडियो आपने देखे होंगे प्रधानमंत्री जी के, आज भारतीय रेलवे धीरे धीरे बिक रहा है, प्राइवेट ट्रेनें आ गई हैं, स्टेशन बिक रहे हैं, एयरपोर्ट्स बिक रहे हैं, और जो बड़े बड़े संसाधन भारत सरकार की नवरत्न कंपनियां जो भारत सरकार को हजारों करोड़ का मुनाफा हर साल कमा के देती थी, आज वो सारी की सारी कंपनियां धीरे धीरे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो घाटे में जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, जब से योगी जी की सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं ना तो यहाँ महिला सुरक्षित है, ना यहाँ दलित सुरक्षित है, ना पिछड़ा वर्ग सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, और तो और यहाँ तो ब्राह्मण भी सुरक्षित नहीं है, और ब्राह्मण तो छोड़िए यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के गुंडे थाने के अंदर घुस के थाने के पुलिस वालों को भी पीट देते हैं, तो ऐसी सरकार जहाँ जंगल राज है, जहाँ हाथरस जैसी बलात्कार की घटना पे एक बेटी के साथ बलात्कार सामूहिक बलात्कार होता है उसकी हत्या कर दी जाती है, और उस पर यहाँ के एडिशनल DGP कहते हैं कि रेप तो हुआ ही नहीं है, आज CBI ने चार्जशीट दाखिल कर दी, आप देख लीजिए उनको प्रमा फैसा ही सारे प्रूफ मिले हैं, तभी तो उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है, तभी तो उस चार्जशीट को कोर्ट ने स्वीकार किया है। तो मैं समझता हूँ ये जो जंगल राज उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हुआ है और यहाँ इतनी ज़्यादा महंगी बिजली कर दी है, अपने दोस्तों को जो बड़ी बड़ी बिजली कंपनी है उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए इतनी महंगी बिजली कर दी है कि यहाँ लोगों के कनेक्शन कटते जा रहे हैं, लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे हैं।
अगर दिल्ली की सरकार सस्ती बिजली उपलब्ध करा सकती है, यहाँ तक कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री करा रखी हमने, तो क्या उत्तर प्रदेश के सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ती बिजली नहीं दे सकती? जिस तरह हमने सरकारी स्कूलों को सुधारने का काम किया, सरकारी अस्पतालों को सुधारने का काम किया और वर्ल्ड क्लास लेवल की एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास लेवल की हेल्थ सर्विस दिल्ली के अंदर हम दे रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे सकती? नीयत चाहिए, एक्चुअली इनकी नीयत नहीं है। और हमें कहते हैं दिल्ली संभाल लो पहले, मैं कहना चाहता हूँ योगी जी, दिल्ली मजबूती से संभल रही है और आने वाले 2022 में हम लोग उत्तर प्रदेश को भी संभालने वाले हैं। मंत्री जी, एक सवाल है, बात तो अभी आपने कहा है कि ये दलगत राजनीति करते हैं, जातिगत राजनीति करते हैं, आपने ब्राह्मण शब्द यूज़ किया आपने, तो आप भी तो वही उसी लाइन नहीं, मैं ये बता रहा, हम ब्राह्मण, देखिए मैंने जानबूझ के बोला है, हम ना जाति की राजनीति करते हैं ना धर्म की राजनीति करते हैं। दिल्ली की सारी पॉलिसीज देख लिए, किसी जाति धर्म को टारगेट करके नहीं बनाई जाती। मैंने इसलिए कहा कि यहाँ एक एक करके चुन चुन के जाति पूछ के हत्याएं होती हैं। जब जाति पूछ के हत्याएं हो रही हैं तो अगर मैं नाम ले रहा हूँ तो क्या गुनाह कर रहा हूँ? जब जाति पूछ के धर्म पूछ के हत्याएं हो रही हैं और पुलिस का व्यवहार उनके साथ सौतेला है, क्या सरकार को, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी जी उत्तर प्रदेश की पूरी जनता के मुख्यमंत्री हैं या कुछ लोगों के हैं? क्या उनको ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं, जिस तरह के लोगों की थानों में पोस्टिंग हो रही है, जिलाधिकारी बन रहे हैं, दूसरे वर्ग के लोग भी ऑफिसर हैं, क्या उनको सबको ऑफिस में उनको सबको मौका नहीं देना चाहिए? मतलब कुछ ही लोगों को आप मलाईदार पोस्ट दिए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ मलाईदार पोस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप बाई वे सर्कुलेशन आप लोगों को पोस्ट करते जाइए, जो अच्छे काम कर रहे हैं अच्छी पोस्टिंग दीजिए, जो खराब काम कर रहे हैं उनको सजा दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सोतेला व्यवहार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ की जनता के साथ भी कर रहे हैं, यहाँ के अधिकारियों के साथ भी कर रहे हैं, यहाँ के कर्मचारियों के साथ भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भाजपा ने कहा केंद्र सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए 25 तारीख में कल किसानों के खाते में आएंगे, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी किसानों को खरीदने की कोशिश ना करें, प्रधानमंत्री जी किसानों की समस्या को दूर करें, उनको जो परेशानी उनकी परेशानी को दूर करें। कोई भी सरकार जब कोई कानून बनाती है, मैं एक वकील आदमी हूँ और एक मंत्री भी हूँ, हम कोई योजना बनाते हैं तो उस पब्लिक की ओपिनियन लेते हैं, खासतौर पर अगर टारगेट ग्रुप है, कोई पर्टिकुलर किसी ग्रुप के लिए बना रहे हैं, हम उस ग्रुप को बोलते हैं हम ये कानून बना रहे हैं, आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं, अपने सजेशन देना चाहते हैं तो सरकार को दें, वेबसाइट पर उसको डाल देते हैं बिल बना के, उस बिल पर कमेंट आते हैं जनता के, उस कमेंट के आधार पर जो जायज़ लगता है उसको इनकॉर्पोरेट करके उसके बाद हम बिल फाइनल तैयार करके फिर कैबिनेट में पास कराते हैं, उसके बाद विधानसभा के अंदर लाते हैं। तो संसद किस लिए है? संसद के अंदर जो ये बिल लेके आए, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको बोलने तक का तो मौका नहीं दिया, और एक तरफा वोटिंग कराए बिना उनको पास जिस तरीके से किया गया है, मैं समझता हूँ ये कानून केवल किसान विरोधी नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि किसान विरोधी है, केवल किसान विरोधी कानून नहीं है। जब उन्होंने मिनिमम एक जो लिमिट होती थी भंडारण की, जब उस भंडारण की लिमिट को ख़त्म कर दिया, लिमिट ख़त्म करने के बाद क्या होगा, बड़े बड़े पूंजीपति पूरे देश का अनाज खरीद के अपने बड़े बड़े गोदाम में डाल देंगे और उसके बाद वो बाहर आएगा नहीं, मार्केट में नहीं आएगा, लोग त्राहिमान हो जाएंगे। उसके बाद उसी चीज़ को जो आज 50 रुपये किलो बिक रही है उसको वो 200 रुपये किलो बेचेंगे और आप खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं एक बात और कह दूँ आपके माध्यम से, आप देख लीजिए पूरे भारत का पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अब तो सीजन है आलू का, सीजन के अंदर भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार हुआ सीजन के अंदर आलू 50 रुपये किलो है, वरना सीजन के अंदर आलू 10 रुपये में 4 किलो मिलता था अभी 4 साल पहले तक भी, और 10 रुपये में 2-3 किलो तक तो पिछली साल भी था, लेकिन इस साल क्यों नहीं है? इस साल 50 रुपये कैसे हो गया? इसका मतलब क्या हुआ, इस बिल को लाने से पहले इतने बड़े बड़े भंडारण केंद्र कैसे बन गए? अडानी अंबानी ने इतने बड़े बड़े भंडारण केंद्र बना लिए, इसका मतलब ये मिली भगत है मोदी जी की और उनके दोस्तों की। अभी अंबाला में 13 किसानों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा है कल। एक्चुअली क्या है, ये जो बीजेपी की सरकार है ये जुल्म करने वाली दमनकारी सरकार है, इन्होंने दमन के मामले में मैं समझता हूँ अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया है। उस वक्त अंग्रेज दमन करते थे लेकिन अब तो हमारी अपनी सरकार दमन कर रही है। अगर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को और भारत के संविधान निर्माताओं को ये पता होता कि हमारे बाद जो सरकारें आएंगी, हम जब भारत को आज़ाद करा देंगे और इस तरह वो भारत की जनता को सताएंगी, तो शायद अगर आज वो जिंदा होते तो वो रो रहे होते। अभी राहुल गांधी प्रियंका गांधी को भी अरेस्ट किया गया, क्या जानकारी आपके पास? मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात को कहने का सबको हक होता है, और एक विपक्ष के अगर जो नेता हैं वो अगर राष्ट्रपति जी से मिलना चाहते हैं, उनको जाके ज्ञापन देना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी वो है कि आप कह रहे हो 3 लोग जाएंगे,
मुझे लगता है कि विपक्ष को पहली बात तो बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। देश के अंदर ये पहली सरकार आई है जो विपक्ष को कुचलना चाहती है, जो विपक्ष को आवाज़ को नहीं सुनती, और आवाज़ विपक्ष अगर उठाता तो उस पर केस बना देती है, ईडी के छापे डलवा देती है, इनकम टैक्स के छापे डलवा देती है। मैं पूछना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, बीजेपी के कितने लोगों पर छापे डले हैं? क्या वो सारे दूध के दूल्हे हैं? सारे लोग ईमानदार हैं? मंत्री जी, आम आदमी पार्टी का फोकस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे ही है, हालांकि इलेक्शन पश्चिम बंगाल पे ही है, वहां से क्यों दूर है? नहीं, गोवा पे भी है, महाराष्ट्र पे भी है, पूरे देश पर धीरे धीरे। देखिए, हम छोटी पार्टी हैं, नई पार्टी हैं, पूरे देश में जाएंगे, हमारे पास पैसे की कमी है, जनता से चंदा लेते हैं, तो धीरे धीरे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक अलग तरह का मॉडल जनता के हित में जो मॉडल दिल्ली के अंदर तैयार किया है, आज उस दिल्ली मॉडल की जरूरत पूरे देश को है। अब पूरे देश में, राज्यों में जब जनता कह रही है कि आप हमारे प्रदेश में भी आइए, तो हम जा रहे हैं, जनता से चंदा लेते हैं, सारे साथी मिलके खुद भी चंदा इकट्ठा करते हैं और उससे फिर हम अपना काम चलाते हैं। तो आप पार्टी पूरे देश में जाने वाली है, लेकिन प्रमुखता से फिलहाल जो टारगेट पे रखा है, जिसमें शुरुआत, चूंकि पूरे देश में एक साथ कर पाना हमारी छोटी सी पार्टी के लिए सीमित साधनों के साथ बड़ा मुश्किल है, तो हम लोगों ने शुरुआत जो उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, गोवा से और पंजाब से की है, और मैं आने वाले समय में विश्वास करता हूँ इन चार राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। हम बहुत सारी सीटों पे लड़ेंगे, अभी तय करेंगे अपने काम के दम पे। हमारा संगठन जिस जितने जिलों में जिस गांव स्तर तक पहुंच जाएगा, और जहां जहां बूथ इंचार्ज हमारे खड़े तैयार हो जाएंगे, तैनात हो जाएंगे, उन सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल लास्ट था मेरा, आपका वोटर कहाँ है? मतलब आप अकेले सवाल पूछ रहे हो, बाकी लोग सबकी तरफ से आप पूछ रहे हैं? ठीक है, हाँ, आप बताइए क्या पूछ रहे हैं। आपका वोटर कहाँ है? बसपा से आएगा, कांग्रेस से आएगा, कहाँ से आएगा आपका वोटर? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। 1988 में भारतीय जनता पार्टी की दो सीटें थी, तो वोट किसी का गुलाम नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का। हर जगह से जो लोग अमन पसंद लोग हैं, जो मानवता पसंद लोग हैं, जो भारत के संविधान में भरोसा रखते हैं, जो दलितों की तरक्की चाहते हैं, जो पिछड़े वर्ग की तरक्की चाहते हैं, जो सबको समान अवसर मिले, अच्छी क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, युवाओं के सपने साकार करने का मौका दे, जो लोग ऐसा पसंद करते हैं वो आम आदमी पार्टी में आएंगे, अलग अलग सारी पार्टियों से आएंगे। मंत्री जी, क्या नाम है, आप दिल्ली मॉडल के लाने की बात कर रहे हैं, कि दिल्ली मॉडल में आपका अकेले का क्या रहेगा, माइनॉरिटी का क्या स्पेशल रहेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, लेकिन वो किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसकी नीति हम बना रहे हैं। आज आप सरकारी स्कूल को जाके देखिए, और वहाँ पे सर्वे करके देख ले किन के बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर हम 26% टोटल बजट का एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, तो वो जाति धर्म देख के नहीं कर रहे हैं, हम ये देख के कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर रहने वाले सब लोगों को क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले। तो हम एक ऐसा मॉडल ला रहे हैं जहाँ जाति धर्म के बिना सबको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले।